सो हाय ऑल, ये सेकंड पार्ट है आरटीके क्वेरी का. ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम क्रिएट एपीआई, आरटीके क्वेरी होता क्या है, एंड क्रिएट एपीआई के थ्रू हम कैसे एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर में कैसे ऐड कर सकते हैं, एंड फिर मिडलवेयर में कैसे ऐड करते हैं, एंड देन फिर हमको यूआई पे कैसे यूज कर सकते हैं विद कस्टम मीन्स कस्टम हुक्स के थ्रू, एंड कैसे हम पुलिंग कर सकते हैं, कैसे हम स्किप का यूज कर सकते हैं, ओके, टैग्स का, इनवैलिडेट क्वेरी का, और कस्टम बेस्ड क्वेरी का हम कैसे यूज कर सकते हैं. लाइक मैंने फेच मेथड का यूज किया था, जैसे गेट पोस्ट मेथड, ऐड पोस्ट मेथड, हमने गेट कैसे करते हैं, म्यूटेट कैसे करते हैं, म्यूटेशन कैसे करते हैं, ये सब चीजें हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था. ओके, सो अब सेकंड वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लाइक जो इन बिल्ड बेस्ड क्वेरी है उसका कैसे यूज कर सकते हैं एंड ऑल. तो फिर इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम पोकेमन जो एक एपीआई है उसका यूज करने वाले हैं, और उसके थ्रू हम ये सब करने वाले हैं. सो मैं क्या करता हूँ, एक और बनाता हूँ, सर्विस इज पोकेमन डॉट टीएस. गाइस, सो पोकेमन डॉट टीएस में हमारा क्या रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ, सेम एक बार कॉपी कर लेता हूँ, फिर बाद में रिमूव कर देंगे हम जो चीज़ें हमको नहीं है. ये इसका नाम मैं पोकेमोन दे देते हैं, एंड सेम विथ लाइक दिस, एंड यहाँ पर हम यूज करते हैं बेस क्वेरी का. सो फेच बेस क्वेरी, और ये बेस यूआरएल हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं. ओके, एंड फेच बेस क्वेरी हम यहीं से आने वाले हैं, एंड देन हम यूज करने वाले हैं टैग टाइप. टैग टाइप रहेगा मेरा एक ही रहेगा, नाम रहेगा पोकेमोन ओके, एंड डेटा किस टाइप का रहेगा मेरा पोकेमोन का वो हम देखते हैं. तो पहले एक्सपोर्ट इंटरफेस आई पोकेमोन, जस्ट मैं सबसे पहले आईडी दे देता हूँ, बाद में देखते हैं किस टाइप का रहने वाला. ओके, आईडी रहेगा मेरा स्ट्रिंग टाइप का, जैसे मैं यहाँ पर देख सकता हूँ ना. ये रहेगा लाइक एबिलिटी रहेगा, स्ट्रिंग टाइप का, सॉरी ये रहेगा मेरा स्ट्रिंग टाइप एंड एक रहेगा स्पेसिस. ये जो एपीआई का जो रिस्पॉन्स रहेगा ना, नेम रहेगा स्ट्रिंग एंड यूआरएल रहेगा स्ट्रिंग. एंड फिर इट्स रहेगा फ्रंट साइनी इज आल्सो स्ट्रिंग टाइप का. और यहाँ पर नेम प्रोवाइड करेंगे हम, ठीक है, एंड यहाँ पर रहेगा लाइक बेस क्वेरी हो गया, उसके बाद ये रहेगा नेम, मीन्स किस टाइप का मेरे को पोकेमोन को फेच करना है. रिक्वायरमेंट नहीं है,
एंड यहाँ पर रहेगा, एंड यहाँ पर कर देते हैं गेट पोकेमोन बाय नेम। कोई इसको रिमूव कर देते हैं। ओके गाइस, सो इसमें क्या किया, जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल पोकेमोन एपीआई यूज किया है, क्रिएट एपीआई का यूज हो गया, यहाँ पर रिड्यूसर पाथ चेंज कर दिया है, बेस यूआरएल में फेच बेस क्वेरी का यूज किया है, उसमें हमने बेस यूआरएल हमने प्रोवाइड कर दिया है, टैग टाइप रहेगा लाइक पोकेमोन, एंड एंड पॉइंट में गेट पोकेमोन बाय नेम, एंड जस्ट इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। यूज गेट पोकेमोन एंड स्टोर में भी हम सेम चीज यूज कर लेंगे। डॉट रिड्यूसर पाथ डॉट रिड्यूसर सेम इन मिडलवेयर डॉट कुल, जैसे ही जैसे आप एपीआई ऐड करते रहोगे आप ऐसे ही यहाँ पर ऐड करते जाओगे सेम चीज को, सेम इन मिडलवेयर सेम इन रिड्यूसर। ओके, ये आपका काम हो गया। अब हम पोकेमोन का एक कंपोनेंट बनाते हैं, पोकेमोन डॉट पीएसएक्स, ओके नेम कॉन्स्ट यूज पोकेमोन बाय नेम, और यहाँ पर हम नेम प्रोवाइड करेंगे और ये आ जाएगा हमारा डेटा, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ से। ओके एंड डेटा डॉट नेम हम किस टाइप का फेच करने वाले हैं, एक मुझे पता है ये, ठीक है गॉट इट, सिंपल वन, जस्ट मैं पोस्ट को क्या करता हूँ कमेंट कर देता हूँ एंड एंड सॉरी जस्ट स्टार्ट कर लेते हैं अपने सर्वर को। अभी ये क्या करेगा ना, फेच करेगा पोकेमोन को, ओके पोकेमोन डिटेल को विद दिस नेम, एंड फिर यूआई पे रेंडर कर देगा, देखो पोकेमोन बाय नेम नेम एच हो चुका है। अब हम क्या करते हैं पोकेमोन की इमेज वर्क करते हैं, डेव एंड आईएमजी में हमारा रहेगा सोर्स, सोर्स में है डेटा डॉट डॉट एंड
डेटा इट शुड बी देयर कुछ तो मिस्टेक हुई है क्या है वो कह रहा है कि उसको ये डिटेल्स नहीं मिल रही हैं देखते हैं ये मेरे पास स्पेसेस का नेम आ रहा है स्प्राइट्स करके आ रहा है ये ना आई थिंक स्प्राइट्स करके ये ये मिस्टेक है और हमारे यहाँ पर मिस्टेक्स थे मेरी जो प्रॉपर्टी का नेम है वो सही मैपिंग नहीं था तो ये उसकी इमेज आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं ना बटन से फेच करने की ट्राई करते हैं ठीक है सेम चीज़ तो हमने ठीक है वो बाय डिफॉल्ट जो लोड कर दी हमने कर दी। अब मैं क्या करता हूँ एक बटन क्रिएट करता हूँ बटन डिफॉल्ट नेम हम दे देते हैं ये और ये नेम आ जाएगा यहाँ पर एंड ऑन क्लिक पे गाइस डू यू नो एनी पोकेमोन नेम सो मेरे को भी आइडिया नहीं है हम क्या करेंगे लिस्ट ऑफ पोकेमोन्स निकाल लेंगे वहाँ से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जैसे है ये वाला नेम ट्राई करते हैं इस नेम से अब हम क्या करेंगे ये बटन बन गया मेरा इस नेम से एंड अगर मैं इस नाम से या आ रहा है देखो अब क्या किया इसने नाम चेंज कर दिया ये वाला तो मेरे पास इस नाम से डेटा फेच हो गया। अगेन अगर आपको यहाँ पर चाहिए आफ्टर सम टाइम कूलिंग इंटरवल लाइक आपको वही जो मैंने आपको समझाया था आपको आफ्टर 1 सेकंड चाहिए तो देखो ये सेम चीज आफ्टर 1 सेकंड स्टार्ट हो गई है देखो ठीक है एंड अगर आपको अगेन स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो सेम चीज को या फिर रिफ्रेश करना हो या फिर विंडो फोकस पे आपको इस चीज को कॉल करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। देखो जैसे अभी नहीं कॉल हो रहा ना बट आपको विंडो फोकस पे करने हैं सेम चीज को तो हम तब भी कर सकते हैं। मेरे को बस वो देखना पड़ेगा उसका नेम क्या है उसका नेम रहेगा कूलिंग से लिखा हो गया ओके तो उसका नेम रहेगा विंडो समथिंग फोकस के नाम से है रिफेच ऑन फोकस
बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स है, अगर आपने इसको ट्रू कर दिया तो आप क्या कर सकते हो ना, जस्ट इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना, आपके पास आपको हर चीज समझ आ जाएगी। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ थोड़ा एंड इसको हम क्लोज करते हैं। ये कॉल हो गया, अब मैं ये इसने नहीं किया, आई थिंक मेरे को लिसनर ऐड करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है मुझे लिसनर और ऐड करना पड़ेगा स्टोर के अंदर, एक सेकेंड रुको। लिसनर उसी चीज के लिए है, आप देखो अब स्टार्ट हो गया। देखो अभी एक भी नहीं है राइट, अभी मैं फोकस पर से आ रहा, फिर से ये कॉल हो रहा है। तो जो ये लिसनर है ना जो मैंने ऐड किया है सेटअप लिसनर, ये उसी चीज के लिए है। आप ये डॉक्यूमेंटेशन में आके रीड कर सकते हो, ठीक है। आई यूटली यूज टू एनेबल रिफेच ऑन फोकस रिफेच और रिकनेक्ट बिहेवियर, ओके। सो ये इसी चीज के लिए है, ओके गाइस। सो इस वीडियो में मैंने आपको फेच बेस्ड क्वेरी या फिर पोकेमोन से या फिर रिफेच ऑन फोकस और लिसनर के बारे में मैंने आपको बता दिया। म्यूटेशन के बारे में हमने देख लिया है, कैसे बिहेवियर हम देख चुके हैं, ठीक है। एंड उसके बाद मैनुअल कैसे अपडेट, कंडीशनल फैचिंग की लाइक स्किप का आप यूज कर सकते हो, ओके। एरर हैंडलिंग मींस जब एरर आ जाए तो आप यूआई पे उसको शो कर सकते हैं, ओके। पूलिंग के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ, ओके। सो मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो हम यूज करते हैं डेली यूज में, मैं वो सब कवर कर दिया मैंने, ओके। सो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार और, या फिर और कोई न्यू वीडियो में जैसे कोई न्यू फीचर ऐड होता है या फिर मुझे कुछ लगता है कि हाँ ये चीज़ इम्पोर्टेंट है तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। या गाइस सो अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके ऊपर प्लीज़ लेट मी नो। एंड और ये जो जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है ये मैं गिटअप पे डाल दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप देख सकते हो या फिर आप खुद से ट्राई कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं ट्राई करूँगा कवर करने का या फिर वीडियो में कवर कर देंगे हम। सो थैंक यू ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, साइनिंग ऑफ, थैंक यू, बाय बाय।